वेलकम टू द कंसेप्ट इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के, के बारे में इससे पहले हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में पढ़ चुके हैं इसमें हम लोग सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर यानी ऐसा कैपेसिटर जिसका प्लेट सिलेंड्रिकल हो जैसे कि यहाँ फिगर में दिख रहा है यहाँ पे को एक्जल दो सिलेंडर है तो इन दोनों सिलेंडर मिल करके एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर को फॉर्म करता है तो इसके द्वारा कैपेसिटी कितना होगा इसी का एक्सप्रेशन निकालना है हम लोगों को यहाँ पे यहाँ पे है ये सिलेंडर है इसका एक रेडियस है ए यानि इनर सरफेस का फिर आउटर सरफेस का इसका रेडियस बी है और ये सिलेंडर का हाइट है एल सबसे पहले दोनों सिलेंडर के सरफेस के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के बाद कैपेसिटी बराबर क्यू बटे भी होता है तो उस तरह से हम लोगों का कैपेसिटी निकल जाएगा यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि इसमें एक आउटवार्ड रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड ई है इसका इनर सिलेंडर का रेडियस ए है और आउटर सिलेंडर का रेडियस बी है और इसका लेंथ एल वही चीज़ यहाँ पे लिख दिए हैं एज्यूम अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर ऑफ इनर एंड आउटर रेडियाई ए एंड बी वे आर बी ग्रेटर देन ए यानी बी जो है बड़ा रेडियस है आउटर सिलेंडर का रेडियस है बी चार्ज ऑन इनर सिलेंडर इज प्लस क्यू देन यानि इनर सिलेंडर पर चार्ज दिया गया है प्लस क्यू प्लस क्यू चार्ज इनर सिलेंडर पर है तो इसका आउटर सिलेंडर पर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा तो वही चीज़ यहाँ पर लिख दिए हैं चार्ज ऑन इनर सिलेंडर इज प्लस क्यू दैन माइनस क्यू चार्ज इंडियूस्ड ऑन इनर फेस ऑफ आउटर सिलेंडर यानी इनर फेस इस आउटर सिलेंडर का अंदर वाला जो फेस होगा उस पर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूज हो जाएगा लेट ई बी द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द सिलेंडर रेडियली आउट वार्डस यानी इन दोनों सिलेंडर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रेडियली आउट वार्ड होगा यानी क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज है इधर माइनस चार्ज है प्लस से माइनस क्यू और आउट वार्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम सिलेंडर यानी इस सिलेंडर के एक्सिस से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा e बराबर, lambda upon pi epsilon r. इसका डेरिवेशन हम लोग किए थे कि कोई लिनियर चार्ज लाइन था उसके द्वारा आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेमडापॉइन टू पाई नॉट आर होता था लेमडा यहाँ पे लिनियर चार्ज डेंसिटी है जो की चार्ज अपॉन लेंथ होता है तो वन बटे टू पाए सेल एन नोट इन टू लेमडा को लिखे क्यू अपॉन एल नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सिलेंडर इज पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग जानते हैं माइनस ई डी आर होता है तो यहाँ पे हम लोगों को बी प्लेट से लेकर के ए प्लेट से तक के पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है यानी भी बी माइनस भी ए निकालना है तो हम लोगों को यहाँ पे इंटीग्रेट करना होगा माइनस ई डी आर बी से लेकर ए तक तो B से लेके A तक इसको इंटीग्रेट करेंगे E का मान यहाँ ऊपर से Q बाई टू पा एप सेल नॉट आर इंटू एल इंटू डी आर क्यू बाई टू पा नॉट एल ये कॉन्स्टेंट है यह बाहर आ गया इंटीग्रेशन में बचा वन बटे आर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका एल एन आर या लॉग आर होगा वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है तो वन बाई आर का इंटीग्रेशन लॉग आर हुआ तो ये कॉन्स्टेंट बाहर है लॉग आर पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी लॉग बी माइनस लॉग ए लॉग बी माइनस लॉग ए का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं यानी लॉग बी बाई ए बेस ई का लॉग को हम लोग एल एन लिख सकते हैं इसलिए एल एन बी बाई ए इसको लिख दिए तो यहाँ क्यू बाई टू पा नॉट एल है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इक्वल टू निकल गया यहाँ पे क्यू बाई टू पा एप्स एलो नोट एल इन टू एल एन बी बाई ए दस कैपेसिटी सी बराबर क्यू बटे भी होता है यहाँ पे रखेंगे भी का मान

अब हम लोग अगर यहाँ कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ यानी कैपेसिटी पर इकाई लेंथ पे हम लोग सिलेंडर का निकालें तो कैपेसिटी अपॉन लेंथ यानी ये एल जो है ये बट्टे में आ गया तो यहाँ पे बच गया टू पा एप्स एल नॉट बाई एल एन बी बाई ए तो कैपेसिटी पर यूनिट लेंथ किसी भी सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का होता है टू पा एप्स एल नॉट बाई एल एन बी बाई ए एल एन यहाँ लॉग है बेस ई का तो इस तरह से हम लोग किसी भी सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का जिसका इनर एंड आउटर रेडिया ए एंड बी है और उसका लेंथ एल है कैपेसिटी उसका होता है टू पा एप्स एल नॉट एल बाई एल एंड बी बाई ए नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एनर्जी कितना स्टोर्ड होता है एनर्जी डेंसिटी क्या होता है ये चीज़ देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए इतना ही ओके okay, थैंक्स